एक तरफ रोहिंग्याओं को बसाते हैं, दूसरी तरफ रामलला के नाम पर इतना बड़ा तमाशा करते हैं, तीसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। घोटाले की बात कर रहे हैं ना, जमीन घोटाले। संजय सिंह जी, एक काम कीजिए, अगर आप में हिम्मत है, और मेरा प्रश्न है ये डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी से और संजय सिंह से, हिम्मत है ना, बहुत कागज दिखाने की बात कर रहे हो ना, वही लोग हैं ये, बाय द वे कागज की मैं बता, वही लोग हैं जब सीए की बात हुई थी तो बोले कागज नहीं दिखाएंगे, कुछ भी कर लो कागज नहीं दिखाएंगे, यानी कि देश के विरोध में जो चीज हो उसमें सबसे अग्रणी। तो चलो आज कागज दिखाने की बात कर रहे हो ना कि कागज दिखा दो तुम सेल डीड के, उसके एक काम करो, पहले जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तुमने इस दिल्ली के अंदर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसे का घोटाला किया है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनानी थी, 200-300 में से 200-300 इन्होंने बनाई है, उसमें से 2 या 4 मोहल्ला क्लिनिक ठीक से चलती नहीं है। भाई साहब 2020 के एंड तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बननी थी, हजारों करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट किए गए थे, जरा कागज दिखाओ, कागज दिखाओ कि वो पैसा किसने खाया, किसने डकारा, किसकी जेब में गया, कहाँ गया, क्योंकि 1000 मोहल्ला क्लिनिक तो है नहीं। इतना बड़ा घोटाला करोगे उसके कागज नहीं दिखाओगे, क्या सोचते हो कि लोग आपसे पूछेंगे? नहीं, लेकिन मैं हमेशा पूछूंगी श्रेन, क्योंकि ये प्रश्न मैं पिछले 1 साल से उठा रही हूं जब से कोविड की समस्या आई है। ये झूठे लोग जमीन का और इसका और उसका रामलला के नाम पर झूठ बोलते हैं, ये लोगों के स्वास्थ्य पे झूठ बोलेंगे, रामलला को झूठ के नाम पे झूठ बोलेंगे। और दिल्ली में जमीन की बात की जाए, फ्री में रोहिंग्याओं को दी जाती है, आज की बात नहीं है, रोहिंग्याओं के तो ये भगवान है, मसीहा है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब कुछ है। इन्होंने रोहिंग्याओं को अपने घर में बिठाया और आपने नाम लिया किसका, अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान की थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है। ये वो व्यक्ति है, पहली बात जब लॉकडाउन हुआ था, और जिम्मेदारी से मैं श्रेन आपके चैनल पर ये बात बोल रही हूं क्योंकि मैंने लोगों से बात करी और लोगों ने मुझे बताया, जब मैं राशन बांटने जाती थी लोगों को तो कहा जा, तब मुझे बताया गया कि अमानतुल्लाह खान ने खोज खोज के केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को राशन दी है। इसको ये पूछो कि ये केवल इस देश की राजनीति के अंदर ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए हैं, हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने के लिए आए हैं? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? रोज मुस्लिम कार्ड खेलने निकल आते हैं ये, या ऐसा ओबीसी के दूसरे भाई पैदा हो गए हैं आम आदमी पार्टी में, रोज मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, कहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। भैया कहीं काहे की माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी देखनी है तो जाकर के बाकी कम्युनिटीज देखिए। अमानतुल्लाह खान को बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं होती है। अभी इतनी सारी मतलब कोविड के समय पर परेशानी हुई, अमानतुल्लाह खान आपको कहीं पर भी किसी भी हिंदू के घर में, किसी और व्यक्ति के घर में, किसी मुस्लिम के घर में भी, जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, किसी के घर में आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए दिखा, किसी के घर में भोजन पहुंचाते हुए दिखा, किसी को रेमडेसिविर देते हुए दिखा? नहीं दिखा ना। लेकिन रोहिंग्याओं के यहाँ जैसे ही परेशानी हुई, पहुँच गया मसीहा बन के, पहुंच गया अल्लाह का बंदा बनके। वो रोहिंग्या जो इस देश के अंदर घुसपैठी हैं, जो हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हम सब के ऊपर बोझ हैं, जो इस देश पर पनौती हैं, जिनको इस देश से डिपोर्ट कर देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जनसंख्या विस्फोट करके इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का इतना खतरनाक खेल कर रहे हैं, क्योंकि शह अमानतुल्लाह खान के, अमानतुल्लाह खान कहता है इनके मानव अधिकार हैं जी, ये भूखे मर रहे हैं, मैं इनको 10,000 रुपये भी दूंगा, मैं इनको रहने की जगह भी दूंगा। और इंक्रोचमेंट करता है यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की जो जमीन है उसमें इनको बिठाएगा, मतलब यही काम रह गया इस देश में, रोहिंग्या लाओ, उनको जगह जगह जो सरकारी जमीन है उनमें बिठा दो और उसके बाद ताली बजाओ। ये इतना गंदा इनका खेल है। कौन लोग रामलला के मंदिर पर और चंदे के ऊपर और पूरे जमीन के घोटाले की बात कर रहे हैं? वो लोग जिन्होंने 1 पैसा, 1 नया पैसा रामलला के मंदिर के निर्माण में नहीं दिया। आप चेक कीजिए इनके अकाउंट्स और इनसे पूछिए कि इन्होंने कहीं पर पैसा दिया है, कैश, चेक, या इन्होंने आरटीजीएस किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब दूसरी जरूरी बात, संजय सिंह, वो संजय सिंह जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बेचते हैं करोड़ों रुपए में, और इन्हीं के एमएलएज ने इनके ऊपर ये आरोप लगाया इतना बड़ा, वो बात करेंगे घोटालों की? वो आम आदमी पार्टी कर बात करेगी रामलला की, राम मंदिर की, जिन्होंने रिंकू शर्मा, वो 25 साल का युवा जो रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा ले रहा था, इन्होंने बोलूंगी मैं, इन्होंने उसकी हत्या करवाई, और उसके बाद इनमें से कोई मिलने गया? क्या उसको कोई कॉम्पनसेशन दिया? क्या उसके न्याय की लड़ाई लड़ी? क्या आज तक उस बच्चे को न्याय मिला? क्या उसको इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नौकरी उसके परिवार वालों को दी? कुछ नहीं दी। और ये बात करेंगे, ये संजय सिंह बात करेंगे रामलला के, राम के मंदिर की। दूसरी पार्टी कौन आती है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कहती है हमें रामलला की बड़ी चिंता है, रामलला का मंदिर बनना चाहिए, घोटाला हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने कार सेवकों पर इतनी बेरहमी से गोलियां चलवाई थी, भून डाला था कार सेवकों को, क्या गलती थी उनकी? वो चाहते थे ना कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और तीसरी सबसे बड़ी मक्कार पार्टी कांग्रेस पार्टी।
कौन सी कांग्रेस पार्टी? वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने रामलला के अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सोनिया जी एकदम दौड़ी दौड़ी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर, बोला कि राम भगवान तो काल्पनिक हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भगवान श्री राम याद आ गए, उनके ऊपर आस्था दिखाई दे रही है, उनकी चिंता होने लगी है। अरे ये वो लोग हैं नकली जनेऊधारी जिनको आज तक रामलला के बारे में इन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आज तक कभी भी माथा नहीं जाकर के टेका, ये वो लोग हैं श्रेयन जिन्होंने युगों युगों तक रामलला को टेंट के अंदर बिठा के रखा। इनके मन में, इनके दिल में, इन मक्कारों के दिल में आज रामलला के लिए दर्द हो गया। जब रामलला का मंदिर बन रहा है, ये कहते हैं जमीन घोटाला हुआ। काय बात का जमीन घोटाला हुआ, किस बात का जमीन घोटाला हुआ? राम मंदिर को लेकर सवाल उठाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, और उसके बाद इस तरीके की खबरें आती हैं कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर सवाल करते हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश से और रोहिंग्यों को दिल्ली में बसाने का काम कर रहे हैं। जब रोहिंग्यों के कैंप में आग लग जाती है तो अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, टेंट भी दिया जाएगा हमारी तरफ से। देखिए श्रेन, सबसे पहली बात, रामलला भगवान श्री राम के मंदिर जिसका बहुत भव्य निर्माण हो रहा है और जिसमें पूरे भारत वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी दिया होगा, मैंने दिया, हम सब ने दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि रामलला की वापसी, घर वापसी हो, वो अपने मंदिर में दोबारा से विराजमान हो। अब कौन लोग रामलला के मंदिर पर और चंदे के ऊपर और पूरे जमीन के घोटाले की बात कर रहे हैं? वो लोग जिन्होंने एक पांच पैसा, एक नया पैसा रामलला के मंदिर के निर्माण में नहीं दिया। आप चेक कीजिए इनके अकाउंट्स और इनसे पूछिए कि इन्होंने कहीं पर पैसा दिया है, कैश, चेक या इन्होंने आरटीजीएस किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब दूसरी जरूरी बात, संजय सिंह, वो संजय सिंह जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बेचते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए में, और इन्हीं के एमएलएज ने इनके ऊपर ये आरोप लगाया इतना बड़ा, वो बात करेंगे घोटालों की। वो आम आदमी पार्टी कर बात करेगी रामलला की, राम मंदिर की, जिन्होंने रिंकू शर्मा, वो 25 साल का युवा जो रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा ले रहा था, इन्होंने बोलूंगी मैं, इन्होंने उसकी हत्या करवाई, और उसके बाद इनमें से कोई मिलने गया? क्या उसको कोई कॉम्पनसेशन दिया? क्या उसके न्याय की लड़ाई लड़ी? क्या आज तक उस बच्चे को न्याय मिला? क्या उसको इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नौकरी उसके परिवार वालों को दी? कुछ नहीं दी। और ये बात करेंगे, ये संजय सिंह बात करेंगे रामलला के, राम के मंदिर की। दूसरी पार्टी कौन आती है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कहती है हमें रामलला की बड़ी चिंता है, रामलला का मंदिर बनना चाहिए, घोटाला हो रहा है। वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने कार सेवकों पर इतनी बेरहमी से गोलियां चलवाई थी, भून डाला था कार सेवकों को, क्या गलती थी उनकी? वो चाहते थे ना कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और तीसरी सबसे बड़ी मक्कार पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कौन सी कांग्रेस पार्टी? वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने रामलला के अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सोनिया जी एकदम दौड़ी दौड़ी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर, बोला कि राम भगवान तो काल्पनिक हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भगवान श्री राम याद आ गए, उनके ऊपर आस्था दिखाई दे रही है, उनकी चिंता होने लगी है। अरे ये वो लोग हैं नकली जनेऊधारी जिनको आज तक रामलला के बारे में इन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आज तक कभी भी माथा नहीं जाकर के टेका, ये वो लोग हैं श्रेयन जिन्होंने युगों युगों तक रामलला को टेंट के अंदर बिठा के रखा। इनके मन में, इनके दिल में, इन मक्कारों के दिल में आज रामलला के लिए दर्द हो गया। जब रामलला का मंदिर बन रहा है, ये कहते हैं जमीन घोटाला हुआ। काय बात का जमीन घोटाला हुआ, किस बात का जमीन घोटाला हुआ? सेल डीड की बात कर रहे हैं, जैसे मतलब इस देश की जनता को सेल डीड नहीं पता, सर्कल रेट नहीं पता, जो वो जमीन है वहां पर, जब ये सेल डीड की बात हुई थी, जब ये पूरे का पूरा निर्णय राम मंदिर का जो निकला था, उससे पहले उस जमीन की कीमत मंदिर के निर्माण के जजमेंट से पहले 5,80,00,000 रुपए थी सर्कल रेट, और जैसे ही जजमेंट आया वो जा करके 20 से 21 करोड़ रुपए हो गई, और उसके बाद 18 करोड़ निगोशिएशन के बाद वो जमीन खरीदी गई। कहाँ घोटाला है? इन खुदा के बंदों से जरा ये जाके पूछो, और खुदा के ही बंदे हैं ये, इन खुदा के बंदों से ये पूछो कि इतनी अकल नहीं है कि जब कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विस्तारीकरण होता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, कोई सरकारी एजेंसीज जमीन अक्वायर करते हैं, कोई प्राइवेट एजेंसी जमीन अक्वायर करते हैं, तो आसपास के जो लोग जिनकी जमीनें ली जाती हैं वो अपने रेट रातों रात बढ़ा देते हैं। 1 रुपए की जो जमीन होती है 1,000 रुपए पर पहुंच जाती है। ये हमने द्वारका में होते हुए देखा, ये हमने नोएडा में होते हुए देखा, ये हमने ग्रेटर नोएडा में होते हुए देखा, ये हमने गुड़गांव में होते हुए देखा। ये कौन सी दुनिया में जीते जरा इनसे? सबसे बड़ा सवाल यही तो है जमीन को लेकर। रामलला का मंदिर अगर अयोध्या में बनता है तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी को दिक्कत होती है, और दिल्ली में उसी जमीन को, अगर दिल्ली की जमीन की बात की जाए तो फ्री में रोहिंग्याओं को दी जाती है। दिल्ली में जमीन की बात की जाए, फ्री में रोहिंग्याओं को दी जाती है, आज की बात नहीं है। रोहिंग्याओं के तो ये भगवान है, मसीहा है, ईश्वर है,
अल्लाह है, सब कुछ है। इन्होंने रोहिंग्याओं को अपने घर में बिठाया और आपने नाम लिया किसका, अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान की थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है। ये वो व्यक्ति है, पहली बात, जब लॉकडाउन हुआ था, और जिम्मेदारी से मैं श्रेयन आपके चैनल पर ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों से बात करी और लोगों ने मुझे बताया, जब मैं राशन बांटने जाती थी लोगों को तो कहा जा, तब मुझे बताया गया कि अमानतुल्लाह खान ने खोज खोज के केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को राशन दी है। इसको ये पूछो कि ये केवल इस देश की राजनीति के अंदर ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए हैं, हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने के लिए आए हैं? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? रोज मुस्लिम कार्ड खेलने निकल आते हैं ये, ऐसा ओबीसी के दूसरे भाई पैदा हो गए हैं आम आदमी पार्टी में, रोज मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, कहते मुस्लिम माइनॉरिटी है। भैया कहीं काहे की माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी देखनी है तो जाकर के बाकी कम्युनिटीज देखिए। एनीवेज, अब दूसरा इनका जो खेल था वो मैं दिल्ली दंगों के समय अमानतुल्लाह खान की आपको भूमिका बता देना चाहती हूँ, उसके बाद रोहिंग्या उस पर आऊंगी। ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन जो रहा है, जो बिहाइंड बार है, उसके साथ लगातार टच में था। ताहिर अमानतुल्लाह खान को फोन कर रहा था। खालिद सैफी जो अभी जेल में है यूएपीए के एक्ट के तहत, वो व्यक्ति जाकर के जाकिर नाइक को मिला था और इन सब की जानकारी अमानतुल्लाह खान को थी। जाकिर नाइक को जाके मिला, पैसे लेके आया, करोड़ रुपए चंदा, और उस इसने खालिद सैफी ने उसके बाद ताहिर हुसैन को दिया। वो ताहिर हुसैन जो अमानतुल्लाह खान का राइट हैंड हुआ करता था, अभी भी होगा, हु नोज। तो अमानतुल्लाह खान भी उन लोगों में से एक है जो उन लोगों के संपर्क में था जिन्होंने NTCA के नाम पर दिल्ली को जलाया, लोगों को मारा। लोग मरे हैं श्रेयन, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन लोग मरे हैं, ये प्रश्न है। अब अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं के यहाँ पहुँच गया। अमानतुल्लाह खान को बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं होती है। अभी इतनी सारी मतलब कोविड के समय पर परेशानी हुई, अमानतुल्लाह खान आपको कहीं पर भी किसी भी हिंदू के घर में, किसी और व्यक्ति के घर में, किसी मुस्लिम के घर में भी, जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, किसी के घर में आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए दिखा? किसी के घर में भोजन पहुंचाते हुए दिखा? किसी को रेमडेसिविर देते हुए दिखा? नहीं दिखा ना। लेकिन रोहिंग्याओं के यहाँ जैसे ही परेशानी हुई, पहुँच गया मसीहा बन के, पहुँच गया अल्लाह का बंदा बन के। वो रोहिंग्या जो इस देश के अंदर घुसपैठी हैं, जो हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हम सब के ऊपर बोझ हैं, जो इस देश पर पनौती हैं, जिनको इस देश से डिपोर्ट कर देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जनसंख्या विस्फोट करके इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का इतना खतरनाक खेल कर रहे हैं, क्योंकि शह अमानतुल्लाह खान के, अमानतुल्लाह खान कहता है इनके मानवाधिकार हैं जी, ये भूखे मर रहे हैं, मैं इनको 10,000 रुपये भी दूंगा, मैं इनको रहने की जगह भी दूंगा, और इंक्रोचमेंट करता है यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की जो जमीन है उसमें इनको बिठाएगा। मतलब यही काम रह गया इस देश में, रोहिंग्या लाओ, उनको जगह जगह जो सरकारी जमीन है उनमें बिठा दो और उसके बाद ताली बजाओ। ये इतना गंदा इनका खेल है। एक तरफ रोहिंग्याओं को बसाते हैं, दूसरी तरफ रामलला के नाम पर इतना बड़ा तमाशा करते हैं, तीसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। घोटाले की बात कर रहे हैं ना, जमीन घोटाले। संजय सिंह जी, एक काम कीजिए, अगर आप में हिम्मत है, और मेरा प्रश्न है ये डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी से और संजय सिंह से, हिम्मत है ना, बहुत कागज दिखाने की बात कर रहे हो ना, वही लोग हैं ये, बाय द वे, कागज की मैं बता, वही लोग हैं जब CAA की बात हुई थी तो बोले कागज नहीं दिखाएंगे, कुछ भी कर लो कागज नहीं दिखाएंगे, यानी कि देश के विरोध में जो चीज हो उसमें सबसे अग्रणी। तो चलो, आज कागज दिखाने की बात कर रहे हो ना कि कागज दिखा दो तुम सेल डीड के, उसके एक काम करो, पहले जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तुमने इस दिल्ली के अंदर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसे का घोटाला किया है, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनानी थी, 200-300 में से 200-300 इन्होंने बनाई है, उसमें से 2 या 4 मोहल्ला क्लिनिक ठीक से चलती नहीं है। भाई साहब, 2020 के एंड तक 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बननी थी, 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट किए गए थे, जरा कागज दिखाओ कि वो पैसा किसने खाया, किसने डकारा, किसकी जेब में गया, कहाँ गया, क्योंकि 1,000 मोहल्ला क्लिनिक तो है नहीं। इतना बड़ा घोटाला करोगे उसके कागज नहीं दिखाओगे, क्या सोचते हो कि लोग आपसे पूछेंगे नहीं? लेकिन मैं हमेशा पूछूंगी श्रेयन, क्योंकि ये प्रश्न मैं पिछले 1 साल से उठा रही हूँ, जब से कोविड की समस्या आई है। ये झूठे लोग जमीन का और इसका और उसका रामलला के नाम पर झूठ बोलते हैं, ये लोगों के स्वास्थ्य पे झूठ बोलेंगे, रामलला को झूठ के नाम पे झूठ बोलेंगे। और एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ, ये रामलला सनातन धर्म के ईश्वर है वो प्रश्न नहीं है, रामलला भगवान श्री राम, राम मंदिर इस देश की आस्था है, इस देश का साहित्य है, इस देश का इतिहास है, और सबके लिए बराबर है। आपने देखा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने चंदा दिया है, और ये लोग इस देश को धर्म के आधार पर एक बार फिर से विभाजित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना ये गंदा खेल, तो इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे पकेंगी? मैं भी रोहिंग्याओं को जिस तरीके से दिल्ली में बसा रहे हैं, तो अब सवाल ये भी है जनता की तरफ से, क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले चुनावों में इस तरीके से जीतना चाहते हैं? क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो एक एक करके सच्चाई जान रही है कि किस तरीके का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल और किस तरीके की इनकी नीति है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद
वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी जीतती हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से, तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल यही नीति को अपनाना चाहते हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया जा रहा है। ये जनता का सवाल। देखो श्रेयन, आज मैं इनका बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाली हूँ। इनका जो ये भ्रम है ना कि ये रोहिंग्याओं को बसाएंगे, इन घुसपैठियों को इस देश के अंदर लाएंगे, इस देश की डेमोग्राफी को एकदम चेंज करेंगे, इस देश पर बोझ बनाएंगे, हमारी इकोनॉमी खा रहे हैं, हमारा पैसा खा रहे हैं, हम टैक्स पेयर के पैसों पर पल रहे हैं, ये कितने बड़े देशद्रोही हैं, कितने बड़े जयचंद हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी जो मिथ्या भ्रम उन्होंने पाल के रखा है उसको तोड़ती हूँ। देखिए ऐसा है, ये जो अमानतुल्ला खान आज आपके साथ बैठ करके आपकी शह में ये सब कर रहा है ना, ये और ओवैसी कल को जब रोहिंग्याओं की डेमोग्राफी बदल जाएगी तो सबसे पहले आप लोगों को निकालेंगे कुर्सी में से एकदम बहुत बुरी तरीके से, और उसके बाद अमानतुल्ला खान यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, समझ गए आप? तो इस गलतफहमी में ये जितने भी हैं, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी ये नेता हैं जो इस समय इन लोगों का साथ दे रहे हैं, अमानतुल्ला खान और ओवैसी जैसे लोगों का, वो ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा दें कि ये इनका साथ नहीं देंगे श्रेयन, कभी नहीं देंगे। सबसे पहले बारी इन्हीं की आएगी। तुम इस देश के साथ गद्दारी करोगे, धोखा करोगे, माँ भारती के साथ गलत करोगे तो फिर माँ भारती का श्राप तो लगेगा ना इस देश को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि राजनीति बड़ी, तुम्हारा व्यक्तिगत अहम बड़ा, तुम्हारी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि और तुम्हारा व्यक्तिगत जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो बड़ी कि ये देश बड़ा, इस देश की जनता बड़ी, कोई भी है वो जनता बड़ी है ना। आज अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात ये सरकार करती है, मोदी जी करते हैं, तो जो सड़कें बनती हैं, जो विद्यालय बनते हैं, जो शौचालय बनते हैं, जो घरों घरों में गैस जा रही है श्रेयन, क्या वो सिर्फ एक समुदाय के लिए जा रही है? क्या वो एक धर्म के लिए जा रही है? नहीं ना, उस सड़क पर सब चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विद्यालय में सब पढ़ते हैं। तो फिर इस तरीके का झूठ और भ्रम फैला करके इंटरनेशनल फोरम पे इस देश को बदनाम करने की कोशिश और हिमाकत ये लोग कर कैसे जाते हैं? एक्सपोज तो भैया तुम लोग होगे और बहुत बुरी तरीके से इनके बारे में बोला जाएगा और फैक्ट और तथ्यों के आधार पर बोला जाएगा। हिंदुस्तान की जनता से मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को पहचानिए और इनकी जो इन्होंने जो मुखौटे पहने उनको बेनकाब कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और इनके घोटाले निकालिए। इन्होंने, ये घोटालों की सरकार है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी, ये घोटालों के सरगना हैं, ये इनको बेनकाब कीजिए। धन्यवाद मैम।